इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन अब भी एहतियात बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लॉकडाउन अब 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके लिए नियम और शर्तें जारी की गई हैं। अनलॉक के तहत दो तरह की छूट दी गई है। पहली यह कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या फिर परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी, और दूसरी यह कि वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी, लेकिन इस दौरान सीमेंट लोहे की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन खोलने की परमिशन दी जाए। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली में बाजार खोलने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली के बाजारों को सप्ताह में 5 दिन खोलने की मांग की है, और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में घटते केस को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए, लेकिन रोजी रोटी की समस्या को देखते हुए बाजार खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए तय करती है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।